इसलिए दोस्तों अभी हम इसके नेक्स्ट फीचर्स पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका रिपोर्ट सेक्शन, और जो हर एक सॉफ्टवेयर में ना जब भी आप बिल बनाते हो तो हमेशा हमें रिपोर्ट निकालने की जरूरत होती है, चाहे वो महीने की हो, चाहे वो साल की हो, इनफैक्ट चाहे वो डेली बेसिस पे हो या चाहे वो वीकली बेसिस पे हो, हमें हर टाइम पे रिपोर्ट चाहिए रहती है। रिपोर्ट भी ऐसी होती है जैसे सेल हो, परचेज हो, एक्सपेंस हो, हर टाइप की रिपोर्ट होती है। तभी मैं पहले मैं रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आपको एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इधर से आप निकाल सकते हैं, चाहे वो सेल्स कैटेगरी की हो, एस्टिमेट कैटेगरी की हो, सेल्स पेमेंट रिपोर्ट की कैटेगरी हो, कोटेशन रिपोर्ट हो, परचेज रिपोर्ट हो, चलान रिपोर्ट हो, इससे हर टाइप की आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। पहले हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट, अगर मैंने डेली पे क्लिक करूंगा तो मैंने आज जो बिल बनाई है उसकी मेरे को रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए मैंने आज एक बिल बनाई है, मुझे इसकी एक रिपोर्ट आ गई है। अगर यही चीज अगर मैं मंथली बेसिस पे करूंगा तो मंथली बेसिस में आज पहला दिन है, पहली तारीख है, इसलिए एक ही बिल अब तक क्रिएट हुई है। तो वैसे ही आप ईयरली डेट वाइज सेल वाइज आप ऐसे निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप पर्टिकुलर कस्टमर की भी सेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको खाली क्या करना रहेगा, ईयरली पे आप क्लिक करेंगे, इधर से जो भी नाम आपको सर्च करना रहेगा आप इधर से सर्च करेंगे, आपको पूरे उनकी लिस्ट मिल जाएगी, उन्होंने अब तक कितना आपसे सेल कर लिया है, सेल हुई है आपकी उनके। और अभी मेन चीज पे आते हैं, मेन चीज वन ऑफ द मेन चीज में है बैलेंस शीट। आपको इधर बैलेंस शीट मिल जाती है। आपने देखा होगा कि मैंने जो अपने बिल बनाया था उसमें थोड़ा सा अमाउंट मैंने छोड़ दिया था, पे नहीं किया था। तो देखिए जैसे आप कस्टमर बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, जो आपके लास्ट जिसके नाम पे बिल बनाया उसका कितना रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको इधर शो करेगा। देखिए मेरा इमाद खान के नाम पे आपका 500 रुपीज बैलेंस बचा हुआ है, तो इधर से आपके जितने भी कस्टमर का जो भी बैलेंस बचा रहेगा आपको इधर डायरेक्टली शो करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा आपको क्या करना रहेगा, सीधे इधर से नाम कॉपी करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इधर नाम कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करने के बाद आपको सीधा मास्टर में जाना पड़ेगा, मास्टर में लिस्ट ऑफ कस्टमर में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये नाम को खाली पेस्ट करने का, जैसे आप नाम पे पेस्ट करेंगे बाकी का रिमेनिंग स्पेस है वो पहले मैं हटा देता हूँ। जैसे नाम पेस्ट करेंगे उनका नाम आ जाएगा, आपको जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे उनकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये हर एक कस्टमर की एक आईडी रहती है, इसमें खाली को नाम कॉपी करके ओपन करना। जो भी आप कस्टमर की डिटेल्स स्टोर करते हैं वो आपको इधर डायरेक्टली दिख जाएगी, जो भी उनकी प्रोफाइल है वो दिख जाएगी, प्लस उन्होंने टोटल बिल कितना बनाया। अभी मैंने फिलहाल एक बिल बनाया तो मुझे खाली एक इनवॉइस शो कर रही है, कितने अमाउंट की टोटल इनवॉइस हुई है अब तक 3,100 की हुई है। इसमें से मुझे कितना एडवांस मिल चुका है, 2600 रुपये मुझे एडवांस मिल चुका है, कितना मेरा लेफ्ट बचा है 500 रुपीज मुझे एज अ बैलेंस बचा है। अब मैं इतना बचा है 500 बैलेंस बचा है पर किस इनवॉइस में मेरा बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं इधर आऊंगा सेल कैटेगरी में आऊंगा। सेल कैटेगरी में हाँ ये इनवॉइस मेरे सेल कैटेगरी में बनी हुई है। देखिए आप चाहे तो डायरेक्टली इधर से क्लिक करके अपनी इनवॉइस खोल भी सकते हैं, चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको इनवॉइस मिल जाएगा, अगर आपको पेमेंट करना तो पे कर सकते हैं। सेम चीज बैक करिए, अगर आपकी ये एस्टिमेट में रहेगी तो आप एस्टिमेट में चेक कर सकते हैं। कोटेशन अगर आपने उनके नाम पे बनाया होगा तो देखिए आपको कोटेशन भी तो शो कर रहा है कितने अमाउंट का कोटेशन है। और ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब उनका कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है। देखिए पहले मैंने एक बिल बनाई थी 3,100 की बिल थी, तो मुझे 2,000 रुपये एडवांस मिला तो मेरा 1,100 रुपीज बैलेंस बच गया था। उसके बाद मैंने ये बिल को और एक बार पे किया तो मैंने 1,100 ड्यू था तो मैंने 600 रुपीज पे किया तो मेरा 500 रुपीज बैलेंस बच गया। तो मतलब आपको पूरे आपके कस्टमर की डिटेल मिल जाएगी कि डिटेल का फोन नंबर क्या है और उनका कितना अमाउंट पेंडिंग है, ताकि आपके ताकि आपका कोई भी 1 रुपया भी आपका बकाया ना रहे किसी।